दोस्तों, आप में से कईयों को घूमना पसंद होगा, यहाँ तक कि आप कई जगहों पर गए भी होंगे। हमारे इस दुनिया में कई अजीबोगरीब होटल्स हैं जहाँ आप जाना पसंद करेंगे। हाँ, अगर आप नहीं भी जा सके तो क्या हुआ, भविष्य किसने देखा है, हो सके आप कभी ना कभी उस होटल चले जाए। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको ऐसे ही होटल्स के बारे में बताऊंगा जो बाकी होटल्स और एक आम इंसान की सोच से परे हो। ये होटल्स मूल होटल की परिभाषा को बदलकर एक नई सोच को हमारे सामने रख रही है। चलिए जानते हैं ऐसे ही अजीबोगरीब होटल्स के बारे में। पहले, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और नए वीडियोस के अपडेट के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूले। करते हैं पहले नंबर से। पहले नंबर पर है रोसिडन अंडरसी रिजॉर्ट फिजी। ये होटल फिजी का अंडरवाटर रिजॉर्ट है जो समंदर की गहराई में बसा एक 5-स्टार होटल है। ये दुनिया का सबसे पहला और सिर्फ एकमात्र होटल है जो समंदर के तल में स्थित है। ये होटल शादी और अलग अलग प्रयोजन के लिए भी बुक किया जा सकता है। अगर आप समंदर में रहना चाहते हो तो एक बार इस जगह जरूर जाना चाहिए। इस होटल में आपको कई अनगिनत 5-स्टार वाली सर्विसेज भी मिल जाएगी। और नजारे की बात करें और वो तो एक आपके लिए अद्भुत ही अनुभव होगा। दूसरे नंबर पर है डॉग बार्क इन इडाहो। यह होटल दिखने में बहुत ही अद्भुत है। यह होटल कॉटनवुड इडाहो में स्थित है। इस होटल को बाहर से देखने पर यह पूरी तरह डॉग जैसा दिखाई देता है। इस होटल के बेडरूम यह डॉग के सिर में है। इसके हर रूम की थीम डॉग से निगड़ित है। इस होटल को स्वीट विली के नाम से भी जाना जाता है। इस जगह को डेनिस सेल्विन और फ्रांसिस निकोलिन ने डिजाइन किया है। तीसरे नंबर पर है ट्री होटल हैरिड्स स्वीडन। यह होटल जमीन से 15 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और पूरी तरह पेड़ों पर बनाया गया है। इस होटल को आप ट्री हाउस भी कह सकते हैं। इस होटल में कई सारे भाग हैं जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जिसमें मिरर रूम, कैबिन, द UFO, द ब्लू कॉम्ब, द ड्रैगन फ्लाई और द बर्ड नेस्ट शामिल है, जिसमें आपकी पसंद के हिसाब से रह सकते हैं। साथ ही इन रूम्स में जाने के लिए इलेक्ट्रिकल स्टेयर्स और रैंप ब्रिज भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको कभी स्वीडन आने का मौका मिले और आपको एडवेंचर पसंद हो तो इस जगह पर एक बार जरूर जाइए। चौथे नंबर पर है द V8 होटल जर्मनी। अगर आप कार के शौकीन हो तो यह होटल आपके लिए ही बना है। जी हाँ, इस होटल की हर रूम कार थीम पर बेस है। यहाँ बिस्तर से लेकर डाइनिंग टेबल तक सब कुछ गाड़ियों के आकार में बनाया गया है। इस होटल का सबसे ज्यादा सुंदर कमरा है मर्सिडीज स्वीट, में 4 फ्लोर है जो पूरी तरह मर्सिडीज से बनाया गया है। साथ ही आपको यहाँ अन्य ब्रांड की कार की भी रूम्स मिल जाएंगे। पांचवे नंबर पर है सीडर क्रिक ट्री होटल एसफोर्ड। नाम के मुताबिक यह होटल पेड़ पर बनाया गया है। यह होटल दुनिया भर में मशहूर है। इस होटल का जिक्र कई मैगजीन्स में भी किया गया है। यह ट्री होटल माउंट रेनर वॉशिंगटन स्टेट USA में स्थित है। यह होटल पेड़ पर 50 फीट ऊंचाई पर बांधा गया है। इस होटल में जाने के लिए एक 82 फीट ऊंची सीढ़ी चढ़नी पड़ती है। इस होटल में एक रेनबो ब्रिज भी है जो आपको एक 100 फीट ऊंचाई पर बसे कमरे तक ले जाता है, जहां से आप माउंट रेनर और अन्य खूबसूरत पहाड़ियों के दृश्य का लुत्फ उठा सकते हैं। इसके पास ही एक हवा में झूलता कमरा है। यहां रहने के लिए होटल ने कई नियम बनाए हैं, जिनमें सभी अतिथियों को अपनी सेहत को रखना अनिवार्य किया गया है। 12 साल से कम उम्र वाले किसी भी व्यक्ति को यहां रहने की अनुमति नहीं है। छठे नंबर पर है कैप्सूल वैल्यू कांडा जापान। अगर आप कैप्सूल में रहने का अनुभव करना चाहते हैं तो आप यहां जरूर जा सकते हैं। यहां रहना अपने आप में ही एक अजूबा है, जहां पर आप एक कैप्सूल में सो सकते हैं। यहां के कुछ होटल्स में 50 से 700 कैप्सूल्स मौजूद हैं। यहां के शावर और बाथरूम बेसमेंट में होते हैं और गेस्ट के लगेज के लिए एक खास लॉकर तैयार किया गया है। यहां के हर कैप्सूल में TV, रेडियो और वाईफाई की सुविधाएं मौजूद होती हैं। सातवें नंबर पर है होटल मार्क्यू डे रेस्किल स्पेन। यह होटल स्पेन के वाइन उत्पादन के खेतों में बनाया गया है। इस होटल को आर्किटेक्चर फ्रैंक जेरी ने डिजाइन किया है। इस होटल के एप्पल कट स्ट्रक्चर को टाइटेनियम से तैयार किया गया है। यहाँ पर फर्स्ट क्लास रेस्टोरेंट बार भी मौजूद है। इस लग्जूरियस होटल में 40 से ज्यादा कमरे हैं और 3 रेस्टोरेंट भी है। आठवें नंबर पर है नेचर व्यू पेरू। अगर आप एडवेंचर का शौक रखते हैं तो इस बेहद ही खतरनाक पहाड़ी की खड़ी ढलान पर झूलते हुए होटल में जरूर जा सकते हैं। यह होटल दक्षिण अमेरिका के पेरू में स्थित है। यहाँ का हर कमरा अलग अलग जगहों पर बनाया गया है ताकि वहाँ ठहरने वाले लोगों को अच्छा नजारा देखने को मिल सके। अगर आप यहाँ रहना चाहते हैं तो आपको एक पूरी पहाड़ी चढ़कर यहाँ जाना पड़ेगा और इस जगह रहने का लुत्फ आप वहाँ जाकर उठा सकते हैं। नौवे नंबर पर है मैजिक होटल हुलो। यह होटल चिली में स्थित है। यह होटल वेल्डिवियन फॉरेस्ट के 60,000 हेक्टर की जमीन पर बनाया गया है। यहाँ लोगों को हॉट स्प्रिंग, स्विमिंग,
वॉल्केनो और कई ऐसी ही रोमांचक जगहों पर घूमने का मौका मिलता है। यहाँ पे लोगों को जंगल के बीच रहने का अनोखा अनुभव मिलता है। इस होटल में रहने के लिए लोग दुनिया भर से यहाँ आते हैं। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया हो। इस वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। अगर आप नो अबाउट इट पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। अगर कोई सुझाव हो तो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। मिलते हैं अगली बार एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्ते।